बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लैनेट। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी, पोटैटो नुगट्स, यानी आलू के नुगट्स बनाने का मुकम्मल तरीका। चैनल पे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चले इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। दो अदद मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इन आलू को बॉयल कर लिया है। अब इनको मैश करेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने इनको मैश कर लेना है। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। ध्यान रखना है कि इसमें दाना ना बने। आलू को थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल कर लेना है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून है ऑयल। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हमारे पास रेड चिली है, 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है और हस्बे जायका आपने लेना है, मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। साफ़ सुथरे हाथों से आप मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दोबारा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मैं आपको मिक्स करके बताता हूँ। नुगट्स की दो हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने तैयार कर लेनी है। अब इसका रोल बनाना है। इस तरह आपने रोल बना लेना है और इस साइज़ में रोल बना लेना आपने। अब रोल की कटिंग कर लेनी है। आपने देख लेना है, इस तरह आपने इस साइज़ की कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। कटिंग हमने कर ली है। ये हमारे पास एक डाई है, इस शेप में कुछ बनाएंगे, कुछ इस शेप में बनाएंगे। और सबसे आसान जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं, आपने एक कांटा लेना है, ये देख लें, फोक, ऐसे डिज़ाइन बना लेने हैं। बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन बना लेने हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आपने डिज़ाइन बना लेने। कुछ मैं इस तरह के बना रहा हूँ और कुछ डाई की मदद से बना रहा हूँ। डाई की मदद से हमने नुगट्स तैयार कर लिए हैं। ये मैंने फोक से किए हैं, यानी कांटे से, और ये स्टार और जो दिल बना है ना हार्ट, ये मैंने डाई की मदद से किया। और ये भी माशाल्लाह खूबसूरत बने हैं, ये डिज़ाइन भी अच्छा है। यानी हर घर में फोक कांटा मौजूद होता है। अब इनको फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमारा पहले ही गर्म है, यानी मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है, पकाना। एक एक करके हम इसमें ये ऑयल में डाल देंगे। अब देख लें, फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, यानी मीडियम फ्लेम पर आपने रेडी करने, ये ना हो कि ये जल जाएं। इसी तरह बाकी के पीसेस भी आपने डाल देने हैं। नुगट्स हमने तमाम के तमाम डाल दिए हैं। इनको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और ये ऊपर आ चुके हैं, यानी ये तैरना शुरू हो गए हैं। 2 मिनट और लगाएंगे और इनकी इस तरह आपने ना साइडें चेंज कर लेनी है। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे आपने साइडें चेंज कर लें। छुरी की मदद से कर सकते हैं, कांटे की मदद से कर सकते हैं, मेरे पास ये है, मैं इससे बिल्कुल आपने ऐसे इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, अब इनको बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको डिश ऑफ करेंगे। आप इनकी आवाज़ सुन लें, देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हैं, ये देख लें। ये है हमारी आज की मेहनत, पोटैटो नुगट्स। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी मनपसंद रेसिपी हम अपने चैनल पे शेयर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नए आने वाले तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।